जैसे एक ये कलाम हर दिल पर नक्श है, ऐसी एक और कलाम जो हर दिल पर नक्श है पेश कर रहा हूं। चंद गलियों का फर्क है, यही रहते थे मरहूम रेहान आज़मी साहब। ऐसे उनके बेशुमार कलाम ऐसे हैं जो आज भी अमर है, जिसमें से एक ये कलाम है। उनके साले सवाब के लिए पेश कर रहा हूँ। हर शख्स के लिए कोई ना कोई चीज कीमती होती है। अब आप माशाल्लाह हरी शाल पहने हुए करबलाई, अब मैं आप सबको ये बड़ी अच्छी शाल लग रही है, तो आप क्या करेंगे, ये दे देंगे मुझे? क्यों? क्योंकि मुझसे मोहब्बत करते हैं, शाल से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंसान किसी भी कीमत पर नहीं देता। उसमें से दो चीजें, एक दिल है और एक जान है, नहीं एक दिल है एक जान है। किसी को दिल ज्यादा अजीज है, किसी को जान ज्यादा अजीज है। पहले भी एक छोटा सा आपसे सवाल किया था, दोबारा करूंगा। हाथ वो उठाए जिसका जिसका दिल उसको ज्यादा अजीज है, वो जान दे सकता है, वो हाथ उठा ले। दो तीन चार माशाल्लाह, दिल अजीज है, जान। और जिनको जिनकी जान अजीज है वो जान अपने पास रखेंगे और दिल हमें दे देंगे, वो हाथ उठाइए। यानी दिल अपने पास रखने वाले ज्यादा लोग हैं और जान अपने पास रखने वाले, जान अपने पास दिल देने वाले लोग ज्यादा नहीं है, जान देने वाले लोग ज्यादा हैं। और फैसला मुझसे कोई पूछे तो मैं बिस्तर पढ़ के बताऊंगा। अब आपने तय करना है, आपका फैसला अच्छा तय हमारा। मुझसे भी पूछे या दिल दे दो या जान दे दो, तो मैं कहूंगा जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा। क्यों पूछे? क्यों? क्योंकि दिल ठिकाना प्रोडक्शन होती थी, तो मैंने कहा कि ये अभी भी तो कारखाना है। वो कहते कारखाना नहीं है, ये इमाम बारगाह है। मैंने कहा मैं साबित करूंगा ये कारखाना है। वो कहते कैसे? मैंने कहा जिस जगह हुए बनाए जाते पहुंचाए कि हम चाहते हैं कि आप पढ़ें, तो ये जश्न जो है पहले गली में हुआ करता था, ऐसे ही। उसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि हम रोड पर लाएं,
फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी पढ़ें, तो मैं आया। तो मेरे लिए सादत की बात कि मैं इस सेशन का हिस्सा बना, और आपके लिए सादत की बात कि आपने फर्शे विला को बिछाया। इसी तरह कभी कभी होता ही है कि इंसान जब जश्न करता है या मजलिस करता है तो जगह कम पड़ जाती है। जैसे कि मैं फिर अभी जिक्र करूं इस शेर से पहले यूरोप की मरकजी यादगार मजलिस नॉर्थ सेंट्रल में होती थी, वो पहले होती थी अरीना क्लब, अब 9 जून को रही है यहाँ रेस कोर्स, एक बहुत बड़ा मैदान है। मैंने कहा नासिर भाई जावेद साहब, नासिर भाई ये इतने मैदान में, पहले तो हॉल हुआ करता था, सुनिए गौर से, ये इतने बड़े मैदान में हजारों का मजमा बैठेगा कैसे? उन्होंने कहा हम बहुत बड़ा शामियाना लगाएंगे, उस शामियाने के नीचे लोग बैठेंगे। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, यहाँ तो शामियाना नहीं है, यहाँ क्या है? इतना बड़ा मजमा है, यहाँ क्या है? क्या है ऊपर? क्या है आसमान? क्या है पक्की बात? तुम जिसे आसमान समझते हो, अरे शामियाना मेरे हुसैन, बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मेरे